हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए जाने वाले टेस्ट की एक नई अपडेट के बारे में। आज आपने एक जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो हर ग्रुप में देखी होगी कि टोटल कंप्लीट इन्होंने यहाँ पे ये डाल दिया है डिक्लेरेशन कि भाई ग्रुप सी से इतने पद डाले गए हैं और ग्रुप डी से, मतलब क्या फॉर्म कितने भरे गए हैं ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए और दोनों के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने सिर्फ ग्रुप सी का ही फॉर्म भरा है, कुछ कैंडिडेट ने सिर्फ ग्रुप डी का ही भरा है। अब उनको ना भी पता हो भाई कि दोनों भरने नेसेसरी हैं, या फिर कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से ऐसा किया हो और कुछ लोगों ने सी और डी दोनों का भरा है, तो उनके दो एग्ज़ाम होगा। चंडीगढ़ में भी होगा सीईटी, एक से डेढ़ माह में आएगा रिजल्ट। देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की परीक्षा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ये टेस्ट केवल हरियाणा के साथ चंडीगढ़ में भी होगा और इसके लिए सीटों की कुल संख्या का पता लगाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने इस संदर्भ में सभी उपायुक्त के साथ वीसी की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और अपने अपने ज़िलों से सीटों का ब्यौरा मांगा है कि भाई आपके ज़िले में अगर ये कॉलेज है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक शिफ्ट में कितने आ सकते हैं, ताकि परीक्षा को लेकर परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए के साथ संयुक्त बैठक की जा सके। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि परीक्षा के लिए अब तक करीब 12.34 लाख लोगों ने आवेदन किया है और परीक्षा को लेकर पहले एनटीए के साथ बैठक होगी। यह परीक्षा आपकी दो शिफ्ट में होगी, मॉर्निंग और इवनिंग, एक दिन की बजाय दो दिन में भी पूरी हो सकती है। इसका पूरा शेड्यूल बैठक के बाद ही जारी किया जाएगा और परीक्षा की तारीख की भी बैठक के बाद ही तय की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से एनटीए को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और एग्ज़ाम के करीब एक से डेढ़ माह बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 30 से 45 दिन, अगर ये भी नहीं तो एनटीए, देखो अगर एनटीए पेपर कंडक्ट करा रही है तो ऑब्वियसली जल्दी रिजल्ट आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड दिस इज़ द प्रिलिमिनरी एग्जाम, ठीक है, इट्स द स्क्रीनिंग बेस्ड एग्ज़ाम। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम, मेन जो एग्ज़ाम है, वो आपके रिक्रूटमेंट बेस्ड होगा। अब दूसरी अपडेट देखिए, अब ये देखिए ये अपडेट देखिए, आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग ऑब्वियसली हर ग्रुप में दिख गई होगी। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी की पदों के लिए 11,34,770 उम्मीदवारों की भरी गई है फीस। 82.4% उम्मीदवार भर पाए हैं फीस। आखिरी दिनों में पोर्टल बीच बीच में रुका जा रहा था। 11.13 लाख उम्मीदवारों का डाटा वेरीफाई हो चुका है। सीईटी के लिए जिला व डिस्ट्रिक्ट वाइज उम्मीदवारों का पंजीकरण हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये है आपका पंजीकरण का ब्यौरा। देखिए, जिन्होंने फीस जमा कराई है, जो हरियाणा के निवासी हैं, जिन्होंने ग्रुप सी के लिए, जिन्होंने सिर्फ ग्रुप डी के लिए, जिन्होंने दोनों के लिए, कुल फीमेल मेल हैंडीकैप्ड ईडब्ल्यूएस विडो और ऑर्फन चाइल्ड्स डी नोटिफाइड ट्राइब अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एक्स सर्विस मैन ESP कोटा, उसके बाद एक मिनट रुके, उसके बाद ये आपका है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, अम्बाला से कितने, भिवानी से कितने, चरखीदादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, ये आप देख सकते हैं। तो ये है टोटल ब्यौरा, वहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग लाख था तो यहाँ पे 11,34,770 है। गाइज, आपका पेपर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं सेप्टेम्बर में, मतलब 110% सेप्टेम्बर में आपका पेपर लिया जाएगा। अगस्त में नहीं हो पाएगा और उसके बाद आप लगा के चलिए दिवाली के आसपास ये आपका रिजल्ट, अक्टूबर में है, आई थिंक इस बार दिवाली अक्टूबर में है, तो लास्ट ऑफ द अक्टूबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर योर रिजल्ट विल बी कम, एंड आफ्टर दैट आपके जो रिक्रूटमेंट बेस्ड जो आपकी भर्तियां होंगी उनके पद डाले जाएंगे। सो आपको अपडेट कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड न्यू व्यूअर हो चैनल पर तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट। So thank you so much. Thank you for watching.